आया था इधर तो उन्होंने बोला सर आपको सम्मान पता है बेसिकली ओरिजिनल ऐसा तो मार्केट में आपको तो पता है कितना दादा था फल के नाम किसी ने तो सिटी से जुड़ा हुआ है तो ओरिजिनल उनका ग्रैंड सन भी प्रेजेंट है सर आपसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं आप किससे इंस्पायर होते हैं उसके बारे में गरीब लोग से इंस्पायर क्योंकि वो दुआ देते हैं ना सर इस फंक्शन को बड़े लोग तो प्रोफेशनल रहते हैं सर सिनेबस्टर ने जिस तरीके से इस फंक्शन को सहयोग किया क्या कहना चाहिए सिनेबस्टर वो अभी भी चल रहा है सर का एक है सर हमेशा जो तकलीफ में है या जो जेन्युइन पर्सन है उनको हमेशा हेल्प करते आए कीर्ति सर आप कितना मोटिवेट होते हैं सर से जिस तरह से बहुत सर देखने में बाजू में खड़ा आज की तारीख में और लास्ट वीक में सर के साथ सिंगापुर में था बहुत मोटिवेट होते हैं सर क्या क्या प्रोजेक्ट से आगे अगर शेयर करना चाहे हमारी ऑडियंस के साथ प्रोजेक्ट फॉर इंडस्ट्री प्रोजेक्ट ऐसा कुछ नहीं है जो भी आते हैं आपको इतला की जाएगी सर फिल्म प्रोड्यूस करने का कोई प्लान है अगर शेयर करें और कौन से एक्टर के साथ बेसिकली देखो राजू जी जो है उनके कोई फैमिली फ्रेंड थे जब मेरा लंदन में पूरा स्टाफ का टूर था उन्होंने इंडियन खाना वहाँ से भिजवाया था घर पे पूरे स्टाफ के पूरे स्टाफ 40 लोगों के तो जो अन्न खाता है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए जिस ही का क्या बात है क्या उनको बोला जब भी एनी टाइम यू रिक्वायर्ड एनी हेल्प आई एम देयर क्योंकि वो मेरे स्टाफ को भी खिलाए हम भी खाए मेरे बच्चे भी खाए अभी शेयर बाजार में जाके तो पूछोगे ना सर आप क्या चल रहे हो एजुकेशन फील्ड की सर बात करें तो आप एजुकेशन में काफ़ी कुछ करते हैं उसके लिए क्या सॉरी एजुकेशन फील्ड के लिए सर क्या कहना चाहेंगे आप काफ़ी काम करते हैं इंस्पायर करने का एजुकेशन एजुकेशन में क्या एजुकेशन के लिए इन एजुकेशन सेक्टर दो सेक्टर आर डिफरेंट बिकॉज देखो हमारे पास जो जुड़े अच्छे से मेहनत से काम किया इसलिए तो कीर्ति को डायरेक्टर बना भाई आप लोग सब लोग आए थे PPCFS यानी कि PPC एजुकेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की ओपनिंग पे आप लोग आए थे काम जोर से चालू है हम लोग उन लोगों को हेल्प करते हैं जिनको फाइनेंशियली वीक रहते हैं और जिनको बाहर स्टडी करने का मौका दिया जाता है और उनको हर तरह से हमारे तरह से अंडर वन रूफ और विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस हम लोग हमेशा उनको हेल्प करते हैं क्या बात है तो आप लोगों के पास भी कोई रहेगा एलिजिबल स्टूडेंट्स तो हमारे ऑफिस में भेज सकते हैं थैंक यू सो मच थैंक यू आप भी बोल रहे हो देखो रॉनी जी एजुकेशन काफ़ी फील्ड के अंदर में लोगों की मदद कर रहे हैं अभी मैं अभी फिल्म की बात करता हूँ फिल्म में लेकर सिनेबस्टर आज की डेट में वन ऑफ द टॉप मैगजीन में आ रहे हैं जो रॉनी साहब किसी पे भी हाथ डालते हैं किसी भी जगह पे हाथ डालते हैं तो हिट जगह पे उसको पूरा डेडिकेशन के साथ करते हैं चाहे वो एजुकेशन हो या अभी कीर्ति जी ने बोला कि फंडिंग की बात कर रहे हैं या स्टूडेंट्स की हेल्प करने की बात कर रहे हैं तो जो भी करते हैं एक क्लास करते हैं थैंक यू सर थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट के अवार्ड वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड मैं राजू भाई को बहुत 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 देना चाहूँगा और बहुत सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पर बहुत सोशल वर्कर यहाँ के विधायक मैंने डॉक्टर भारती लवेकर जी के यहाँ इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं तो मैं बहुत खुश हूँ मुझे ये अवार्ड मिला थैंक यू सो मच आप सबका आपने हमेशा मुझे कॉपरेट करते हैं हमेशा सपोर्ट करते हैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया रोनी जी ग्रेट मैन ये तो हम लोग की इंडस्ट्री की शान और जान है और इनका जो भी प्रोग्राम होता है माशाल्लाह बहुत जल्दी दिखा हम लोग हमेशा इनके साथ हैं जब भी इनका कोई फंक्शन होता है हम सब लोग डांस करते हैं
धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे कंट्रीब्यूशन को जो मैं बीइंग एन एक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द बॉलीवुड सो आई एम थैंकफुल टू रॉनी जी राजू जी कीर्ति जी थैंक यू सर थैंक यू सर